वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी के व्रत पूजन शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के रूप में माना जाता है। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश का पूजन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 24 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। हर व्रत का, हर पूजन का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जो कि सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। कोई भी शुभ कार्य या मंगल कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। बिना भगवान गणेश के पूजन और स्मरण के वह कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही कोई भी शुभ कार्य या मंगल कार्य आरम्भ होता है। इस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। जब चंद्रमा उदित होते हैं उस समय भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। इस दिन जातक को चाहिए कि जो भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर मन में संकल्प लेना चाहिए और भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्न विनाशक, आज मैं आपके संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान के सामने कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण कर ले और भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके उस चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान गणेश की प्रतिमा या फोटो रख करके पूजन करें। भगवान गणेश के साथ साथ इस दिन माता दुर्गा का भी पूजन करना चाहिए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान के पूजन के लिए भगवान का मूर्ति या फोटो रख करके पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खुटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश को सबसे पहले तो जल से उनका अभिषेक करें, उनके ऊपर जल चढ़ाएं, पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, शुद्ध गंगा जल भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके बाद भगवान को पीला वस्त्र या पीतांबरी वस्त्र भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके बाद यज्ञोपवीत भगवान गणेश को चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा दल अति प्रिय है तो भगवान को दुर्वा दल अर्पित करें। उसके बाद भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर भगवान गणेश को अति प्रिय है। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें भगवान गणेश को। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं। भगवान गणेश को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान गणेश को तुलसी पत्र ना ही नैवेद्य में भोग लगाते समय चढ़ाएं, ना ही वैसे भगवान गणेश को चढ़ाएं। भगवान गणेश ने तुलसी पत्र को अपने पूजन में निषेध किया है, इसलिए भगवान गणेश को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य चढ़ाने के बाद भगवान को जल अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इसी प्रकार से माता दुर्गा का भी पूजन करें। माता दुर्गा को जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, माता को वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता दुर्गा को अर्पित करें। महिलाएं माता दुर्गा को सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इससे भगवान गणेश और माता दुर्गा प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं
संकष्टी गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 24 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 24 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार सुबह 8:32 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 25 सितंबर 2021 दिन शनिवार सुबह 10:38। इस दिन चंद्रोदय शाम 7:53 और चंद्रास्त सुबह 8:21। इस दिन सूर्य कन्या राशि में रहेंगे, चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। योग इस दिन व्याघात योग, दोपहर 2:08 तक यह योग अच्छा नहीं होता है, उसके बाद हर्षण योग। करण विष्टिकरण सुबह 8:38 तक, उसके बाद बालव करण। नक्षत्र की बात करें तो इस दिन अश्विनी नक्षत्र सुबह 8:55 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र। अब आइए जानते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त, 7 प्रकार की चौघड़िया होती है, जिसमें से 4 चौघड़िया अच्छी मानी जाती है और 3 अच्छी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं केवल पूजन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन चरण नामक मुहूर्त सुबह 5:38 से सुबह 7:09 तक। लाभ नामक चौघड़िया सुबह 7:09 से सुबह 8:39 तक। अमृत नामक चौघड़िया सुबह 8:39 से सुबह 10:10 तक। शुभ नामक चौघड़िया सुबह 11:41 से दोपहर 1:11 तक। चरण नामक चौघड़िया शाम 4:13 से शाम 5:43 तक। लाभ नामक चौघड़िया रात्रि 8:42 से रात्रि 10:11 तक। फिर शुभ नामक चौघड़िया रात्रि 11:41 से रात्रि 1:10 तक। यह जितने भी चौघड़िया का मैंने आपको समय बताया है, इसी के अनुसार आप पूजन करें। ये सभी शुभ चौघड़िया है, इसी दौरान भगवान गणेश का पूजन करना लाभकारी होता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश का पूजन, विशेष करके जब चंद्रमा उदित हो जाते हैं, उस समय पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार से आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान गणेश माता दुर्गा का कृपा सदैव बना रहे। सभी भक्त सदा स्वस्थ रहे और सदा खुशहाल रहे।